कीजिए राज किचन्स रेसिपी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें न्यू रेसिपी वीडियो नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देख रहे हैं राज किचन्स रेसिपी और मैं आपका दोस्त राज। और आज हम बनाने वाले हैं पोहा, वो भी राज किचन्स रेसिपी के स्टाइल में, बिल्कुल मार्केट में जैसा पोहा बनता है, जैसे बनाते हों, बिल्कुल कोशिश करेंगे वैसा ही बनाने का या उससे भी अच्छा बनाने का। तो रेसिपी चल गए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके चैनल राज किचन्स रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इंग्रेडिएंट बता देते हैं आपको। ये हमने 300 ग्राम पोहा लिया है, 100 ग्राम हमने लिया है नमकीन बीकानेरी, 3 हमने टमाटर लिए जो बारीक बारीक काट लिए हैं, 1 बड़ा टेबल स्पून लिया हमने सौंफ, 1 टेबल स्पून लिया हमने हल्दी पाउडर, 1 लिया हमने नींबू, 1 बड़ा टेबल स्पून लिया हमने चाट मसाला, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 5 हरी मिर्च लिए जो बारीक बारीक काट ली है, 4 बड़ी प्याज जो हमने बारीक बारीक काट ली है, और धनिया लेंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए और फ्लेवर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें पानी डाल दिया हमने 2 से 3 गिलास, और इसे पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे जब तक ये हमारे पोहे हैं। और इधर हमने ये हमारे पोहे निकाल लिए हैं, पोहा निकाल लिए हैं अलग एक बड़े बर्तन में, थाली में। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, मिक्स कर लेंगे इसको, हल्दी को हल्दी हमने मिक्स कर लिया। इसमें डाल देंगे हम सौंफ, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरीके से, थोड़ा सा इतना ही पानी डालेंगे कि हल्के से भीग जाए, बिल्कुल गीले नहीं हों ये। थोड़ा सा और डालेंगे, यानी 20 ml के आसपास, 30 ml के आसपास ही पानी इसमें आएगा। डालेंगे इसे को, हल्दी को अच्छे से हम, जो मार्केट वाले होते हैं वो कलर डालते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा येलो दिखते हैं उनके जो पोहे होते हैं। तो बस अब पानी लास्ट हो गया हमारा, उनको मिला देंगे इस अच्छे से। पानी हमारा काफ़ी गर्म हो गया, इसके ऊपर हम, ये हमारी कढ़ाई का ढक्कन है वही इसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा इस पर डाल देंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा चारों तरफ कर देंगे, और जो हमारे पोहे हैं वो इनके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो हमने इनके ऊपर पोहे रख दिए, नीचे पानी हमारा गर्म हो रहा है और गैस हमने कर दी हमारी लो फ्लेम पर, और लो फ्लेम पर इसको हम ढक्कर रख देंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो गया, एक बार ढक्कन हमारा, ढक्कन हटा लेंगे हम एक बार हमारा, और इनको इस तरीके से चलाएंगे हम। फिर उसको इस तरीके से हम चारों तरफ कर देंगे और वापस इसको अब ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए। एक बार 2 मिनट और हो गया है, एक बार ढक्कन हम हटा लेंगे इसका, और इसको एक बार इस तरीके से चला लेंगे हम। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, छिड़केंगे हम इस तरीके से, इनको जब तक आपको लगे नहीं कि अच्छे से फूल गए हैं तब तक आप पानी के छींटे देते रहें इसमें, और इसको मिलाते रहें ऐसे, पानी के छींटे मिलाते रहेंगे तो ये इनमें ये इकट्ठे नहीं होंगे, खिले खिले ही रहेंगे। और नीचे हमने पानी की भाप इस पर लग रही है, इस तरीके से इसको हिला लेंगे हम, ये अच्छे से हमने मिला लिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक लेंगे हम, पानी हमने डाल लिया है। देखिए खिले खिले हैं हमारे बिल्कुल पोहे, बिल्कुल मार्केट जैसा कलर भी आ गया इनका हल्दी से। हमने अच्छे से मिला लिया है और ये हमारे पक चुके हैं 90%, और गैस कर देंगे बंद और इसको ढककर रख देंगे हम 2 मिनट कर, 2 मिनट के लिए गैस बंद करके। तो 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेते हैं हमारे हम, और हाथ से ही ले लेंगे, हाँ गर्म है। इसमें डालेंगे हमारे थोड़े से पोहे, इस तरीके से प्लेट लगाएंगे हम सभी घर वालों की। इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला,
और आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस, इसको मिला लेंगे हम। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, तीखा खाने वाले के लिए ज़्यादा, कम तीखा खाने वाले के थोड़ी सी, और डालेंगे नमकीन, मिक्स कर लेंगे इसको। तो अच्छे से मिला लिया, इसमें डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने, तो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिला लेंगे इनको और अब इनको खाएंगे गरम गरम, और ठंडा करके भी खाएं तो भी अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की हमारी पोहा रेसिपी बनकर तैयार है। यह प्लेट जारी है हमारे बच्चों को, वो खाएंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रेसिपी चैनल की वीडियो को लाइक करना भूले और आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो बनाया है उसे खाकर खत्म करते हैं।